अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मेज़बान लतीफ़ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हमने बनाया है कचनार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कचनार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक किलो तकरीबन हमने कचनार लिए, एक प्याली डालेंगे इसमें घी, एक चम्मच डालेंगे सूखा धनिया कूटा हुआ, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, लहसुन और अदरक डेढ़ चम्मच कूटा हुआ डालेंगे, लाल मिर्च कूटी हुई दो चम्मच, हरी मिर्च चार से पाँच अदद साबित, गोश्त आधा किलो, बड़ा गोश्त है आधा किलो डालना। आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बड़े गोश्त का ज़ायका है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तीन अदद डालेंगे टमाटर, दो अदद प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली दही और एक चम्मच साबित गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देगची लेंगे और उसमें डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए, लहसुन और अदरक कूटा हुआ डालेंगे दो चम्मच, चार से पाँच अदद हरी मिर्चें डालेंगे साबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च कूटी हुई डालेंगे, सूखा धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक हसबे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे तक इसको हल्की आग पर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित गरम मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा एक प्याली दही शामिल करेंगे। और दही को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी खुश्क हो जाए और दही भी अच्छी तरह से भून ली, इसमें शामिल करेंगे कचनार और कचनार को भी दो से तीन मिनट तक भून लेंगे। Yeah.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 से 15 मिनट हल्की आग पे ढांप के खड़ा देंगे ताकि कचनार जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कचनार गोश्त बहुत ही मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आप भी लाजमी ट्राई करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।